क्या चल रहा है? वो इतना डिप्रेस क्यों है? बहुत सही बहुत सही। और गेल ने पहली बात तो ये इतना डिप्रेशन में क्यों था? सरकस हो गए। लड़के भी करते हैं ये सब। दिखाओ दिखाओ एक बार दिखाओ। ये तो मैं पहली बार देखा यार। ये देखो भाई साहब, ये बना रहा है ये लड़का। ओके भाई साहब, भाई हाथ मिलाओ यार तुम। मैंने आज तक लड़क लौंडा हुआ कर, तुम्हें से कोई लौंडा करता है? मैंने नहीं देखा कभी। लड़कियों को देखा है मैंने, बहुत फूल पत्तियां, डिजाइन, स्पार्कल, ग्लिटर पेन, हाईलाइटर, कैलीग्राफी। तुमने दिल जीत लिया भाई, तुम लौंडे नहीं हो। What do you mean? लौंडे नहीं हो, जस्ट एक हाईलाइटर यूज करने में तुम लौंडे नहीं हो। ये क्या है सर? आपका कोटी कोटी प्रणाम, खुश रहिए। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया बहरे हैं क्या? हाँ जी। सुनते नहीं आप बोल रहे हैं, डॉक्टर को दिखाओ। अच्छे डॉक्टर सुनते हैं मतलब हमारे कहने नहीं है? कहने नहीं मानते। अच्छा आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या। नहीं बाबा जी, आप पढ़ता है क्यों? मतलब क्यों ठीक मीन स्टफ बनते जा रहे हैं? आपके बच्चे सुनते नहीं है आपकी जी। तो आप उनके पिता हैं बच्चों के? हद हो गई, क्या सवाल है ये। आप रेड फ्लैग्स कैसे स्पॉट करते हो लड़की में? मैं देखो सच बात बता रहा हूँ, ये छठी सिक्स सेंस जो है तुम्हारे पास ही होती है, लड़कों के पास नहीं होती। लड़के तो खाई देखते हैं और कहते हैं यही तो चाहिए। डब विच घोड़ा रख दान, ये तो यार तेरा कोड़े भर गया। जारा तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दोस्ती हमेशा बराबर की औकात वालों में होती है? इसीलिए तो आपकी बराबर वाली जगह पे आना चाहते हैं, चाहे वो आपके बेडरूम में ही क्यों ना हो। रवि कुमार जी, आप विश्वामित्र हो तो मैं भी मेनका हूँ। आपकी तपस्या भंग कर दूंगी, बिखर जाएंगे आप। तो जैसी लड़की क्या बिखरेगी मुझे? रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ नहीं लेता। इतने गंदे वाहियात दो कौड़ी के फेशियल एक्सप्रेशन मैंने कहीं नहीं देखे हैं। इससे ज्यादा एक्सप्रेशन तो टाइगर श्रॉफ दे लेता है। मैं काट दूं आपका पैसा। ये शोर है भाई, ये इस शो में क्यों है? राउंडिंग कर रहा है बिल्कुल। एक मिनट बताओ तो कैसे? जितना मैंने देखा उसके हिसाब से रणवीर जी। रणवीर, आपने जीत ली है पावर ऑफ वीटो, और इसीलिए आप बदल सकते हैं आज का नॉमिनेशन। अब आप बाकी के सुरक्षित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सीधे सीधे नॉमिनेट करेंगे। तो रणवीर बताइए, आप किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं और क्यों? मैं दीपक भाई को नॉमिनेट करता हूँ। ये क्या पीठ में छूरे वाली बात थी भाई? तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो, सनी भाई है यहाँ पर, हमारे गोलू हैं यहाँ पर, हमारे एक बड़े ये भाई तुम्हारे भाई हैं खुद के भाई? क्या होता है भाई हैं? तो गाइस मिंटू को लेके भाई गैंगस्टर हो, ओजी वाली हरकतें हो रही है गाइस। अभी आपको मार के भी दिखाएंगे। और अमन तुम बताइए कितने दिन में सीखो? दो दिन में। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार कैसे मैं सिखाता हूँ। देखो ये भाई अकेले यार आज फ्लिप मार के दिखा दिए, बैक फ्लिप। चलो मार के दिखाइए, बैक फ्लिप जो मार करता है वो बकता भाई हो गया। तो भाई के लिए लाइक कर देना। देखो गाइस वाओ, स्टैंडिंग आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो गाइस। ठीक है तुम मारो यार। तो गाइस देखो मैं कुछ इस प्रकार यार फ्लिप सिखाता हूँ। सिखाते हो या भाई ये क्या कर रहा है? तो पापा का परी का ट्रांसलेट कीजिए तो इंग्लिश में। पापा की परी? हाँ, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगा? स्टार इज एंजल, फादर इज परी। उड़ता है फिरूं कली सर। क्या लग रहा है? इन घटाओं में कहीं। ओह माय गॉड, मैं पिछले साल एक ऋषिकेश के बाहर
एक गांव है, उस गांव के बाहर एक जंगल है, जंगल के अंदर एक होम स्टे है, वहां गया, वहां तेलुगु सिनेमा की बात हो रही है ऋषिकेश के बाहर। सो आई एम लाइक सो यार इंटरनेट यहां तक पहुंच गई है एंड तुम वहां कैसे पहुंच गए? Oh my God. सलमान सर फैमिली होनी बहुत जरूरी है सो इसलिए आई हैव अ स्मॉल बेबी 1 ईयर, ये मेरा बेबी है तो आई थिंक आपको भी फैमिली बना लेनी चाहिए तो आप एक ट्रायल लेंगे बेबी के साथ, इसको 5 मिनट संभाल के। आपकी एक बेबी है क्या? हमने काफी बेबियों को गोद में उठाया है। We know that, Salman sir. How you guys met? Instagram. मैंने मैसेज किया था, इंटरेस्ट तो मेरा था ज्यादा पर इनको थोड़ा लेट हुआ। तो मैंने मैसेज भी किया था जब ना था, नहीं था इंटरेस्ट तो आदत। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा। यूपी के फतेहपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। okay. दरअसल यहाँ एक युवक को सांप ने महीने भर के अंदर 5 बार काटा। क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन हर बार इलाज के बाद युवक ठीक भी हो गया। युवक का इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं कि कैसे सांप काटने के बाद वो बार बार ठीक हो जा रहा है। गौरतलब है कि युवक सांप के डर से अपना घर छोड़कर मौसी के यहाँ रहने लगा था। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। लेकिन सांप ने उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा, सांप ने मौसी के घर में भी उसको अपना शिकार बना लिया। भाई कुछ ज्यादा नाग नाग नागराज जी, अरे इतने बड़े शहर में हमारा ही मोहल्ला और हमारा ही घर मिला था। और भैया जी कैसे हैं? आज नारियल पानी वाले ने तुम्हारा हाल फिर से पूछा है। विनीत जी गुड मॉर्निंग। आज गुप्ता जी ने भी तुमको गुड मॉर्निंग बोला है। आ गए, क्या खाओगे बताओ? मैं जो तुम्हारा मन करे वो बनाऊंगा। तुम बताओ तुम्हारा जो मन करेगा वही बनाऊंगी। राजमा बनाऊंगा। ठीक है, मन पसंद खाने भी बन रहा है तुम्हारी वजह। तुम्हारी वजह से तो मेरी जिंदगी पलट गई। क्या है क्या ये? जब पैसे ना हुआ करे ना तो आया भी मत कर, चले आते हैं सुबह सुबह उधार मांगने। चला दे यहाँ से, जो मेन गेट है ना वो बनवाना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ सारे घरों से ना 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन करो। गुड मॉर्निंग। रोज सुबह सुबह पोप के दिन खराब कर देता है। सुनो आज राजमा चावल बना लो, काफी दिन से बने नहीं ना तो मन कर रहा है खाने का। मन कर रहा है ना तो खुद बना के खा लो, नौकरानी नहीं हो तुम्हारी, एक मेड तो लगा नहीं पा रहे हो तुम, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, उसके बाद सर को मनपसंद का खाना खाना है। जब तुम मेरे पास नहीं थे ना ये लोग मेरे को ताना मारा करते थे, मुझे देखते ही मुंह मोड़ लिया करते थे। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि तुम सबसे जरूरी नहीं है, पर सच बोलूं तो तुमसे मिलने के बाद मुझे ये पता लगा कि इस दुनिया में सबसे जरूरी सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। सेकेंड नंबर पे हैं।